हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन सर। जैसा कि मैंने आप लोगों को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ाया है, आज मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज बताता हूँ, उसे ध्यान से देखिए। जैसे फर्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में कुल 5 क्वेश्चंस है, 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये 5ों क्वेश्चन हैं टेक्स्ट पर आधारित हैं, क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको उनका आंसर लिखना है, ठीक। चलिए अब आप देखिए, यह दिया है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट जैसे दिया है द आर्थर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। मतलब पूरा का पूरा जो है यह लेसन पर ही बेस्ड है, आथर के दादी के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि वह एक धार्मिक महिला थी। तो इस तरह से आपने देखा, यानी टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में कुल 4 क्वेश्चंस हैं, 1, 2 उसके बाद 3 और 4 नेक्स्ट पेज पे है। देखिए 4 यह नेक्स्ट पेज पे है, मतलब इतना इस 4 क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। सब आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित हैं, आप इसे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। नेक्स्ट दिया है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जो भाषा है उसके बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है, और थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड वाइल टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब इसमें पूछा गया है कि आपके अनुसार लेखक व उसकी दादी आपस में बातें करते समय किस भाषा का प्रयोग करते थे, किस भाषा में बोलते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वर्किंग ऑफ वर्ड्स। वर्किंग ऑफ वर्ड्स में आपको यह देखना है कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग वाक्यों में उसकी अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे दिया है नोटिस द फॉलोइंग यूजेज ऑफ द वर्ड टेल इन द टेक्स्ट। मतलब जो टेल शब्द है वह टेक्स्ट में अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। देखिए यहाँ पर जो टेलिंग है, टेलिंग का सेंस गिनने से है, काउंट करने सेंस है, ठीक है। सेकंड में देखिए आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। देखिए यहाँ पर टेलिंग का सेंस से सूचना देना, बताना, कुछ सिखाना, इस सेंस में प्रयोग किया गया है। थर्ड में देखिए एट हर एज वन कुड नेवर टेल। टेल में सोचता बी श्योर, इस सेंटेंस में टेल का सेंस है बी श्योर। नेक्स्ट देखिए सी टोल्ड अस दैट हर इंड वॉज नियर। देखिए यहाँ पर टोल्ड का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई बात लिख करके या बोल करके बताना, क्लियर। तो यह आपके समझ में आ गया होगा, मतलब एक वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में उसकी अलग अलग मीनिंग हो रही है, जैसे यहाँ पर टेल शब्द की अलग अलग मीनिंग है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप सेकंड में थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। टाइप फर्स्ट में अपने देख लिया, टाइप सेकंड में देखेंगे। टाइप सेकंड में दिया हुआ है, इसमें भी
टेक शब्द दिया हुआ, टेक इसमें भी जो है टेक शब्द दिया हुआ है, और यहाँ पर अलग अलग वाक्यों में इसकी मीनिंग जो है अलग अलग है, ठीक है। जैसे देखिए, टू टेक टू समथिंग, टू बीइंग टू डू समथिंग एज अ हैबिट, टू टेक इल, टू सडनली बिकम इल, ठीक है। टू टेक इल का मतलब होता है टू सडनली बिकम इल, अचानक बीमार पड़ जाना। टू टेक टू समथिंग मतलब टू बिगिन टू समथिंग एज हैबिट, कोई काम आदत के अनुसार करना, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने देखा, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इन द टेक्स्ट। दिस फ्रेजेज आर यूज्ड एज बिलो, टू टेक टू, सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, टू टेक इल, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, ठीक है। अगले दिन सुबह वह अचानक बीमार पड़ गई, टेक इल मिस टेकन इल मिस बीमार पड़ जाना, ठीक है। तो मतलब एक शब्द की अलग अलग वाक्यों में अलग अलग मीनिंग हो रही है। तो आपने टाइप सेकंड में देख लिया। टाइप थर्ड में दिया हुआ है कि द वर्ड हॉबल मीन्स टू वॉक विद डिफ़िकल्टी बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन, ठीक। टिक द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आल्सो रेफर टू मैनर्स ऑफ वॉकिंग। देखिए बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में जो है, देखिए बॉक्स आपका, इस बॉक्स में 10 वर्ड्स हैं, और उन्हीं वर्ड्स को आपको चूज करना है जो मैनर ऑफ इस वॉकिंग बताए, जो चलने का तरीका, चलने का ढंग बताए, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से चलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति लंगड़ा है, कोई व्यक्ति कमज़ोर है, कोई बूढ़ा है, सब अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो उस चलने की सबके लिए अलग अलग अंग्रेजी है, ठीक, जैसा कि मैंने आपको इसे वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है नोटिसिंग, देखिए नोटिसिंग फॉर्म, नोटिस द फॉर्म ऑफ द वर्ब इटैलिसाइज्ड इन दीज सेंटेंसेस, मतलब ये पूरा जो है सेंटेंस है, इसमें जो इटैलिसाइज्ड है, जो टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा गया है, वह देखना है कि वह किस टेंस में है। जैसे सी हैड बीन, देखिए यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है, सी हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऐसे ही देखिए हैड नोन, देखिए अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैड फ्रीज पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैड टॉट पास्ट परफेक्ट टेंस में है। यहाँ पर देखिए हैड नोन ये भी है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड लिट पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस तरह से जो है एक क्लास पास्ट टेंस में रहता है तो दूसरा भी प्रायः पास्ट टेंस में हो जाया करता है, तो यह बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए दिया है थिंग्स टू डू मतलब यह आपको करना है। यह दिया है कि अपने परिवार के सदस्यों से उन प्रण लोगों के बारे में आप पता कीजिए जो आपसे घनिष्ठ रहें, जो आपसे घनिष्ठ रहे हों और आपके साथ नहीं हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत पसंद करते थे, उनका एक संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है, उनके बारे में कुछ लिखना है, कुछ बताना है, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा, आप खुद अपने गार्जियन से पूछ करके आप उनके बारे में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज फ्रॉम एक्सप्लेनेशन, यह जो है व्याख्या करने के लिए दिया है, ठीक है, व्याख्या करने के लिए दिया हुआ है, हम इसे अभी आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिया है, ये 10 दिया है, पीछे भी सॉल्यूशन में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस से मिलते जुलते हैं, तो आप इसे
करने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे आंसर जो है पीछे सॉल्यूशन में दिया गया है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में जो है चार विकल्प दिया गया है, कोई एक ही सही है। जैसे देखिए, फर्स्ट, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन सी बेथ्ड एंड ड्रेस्ड द राइटर। जब दादी लेखक को नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो क्या करती थी, क्या करती थी उस समय जो है वह। देखिए यह बी वाला सही है, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह सुबह का प्रार्थना भी करती थी। ठीक है, राइटर को नहलाती थी, जब राइटर स्टूडेंट थे, छोटे से विद्यार्थी थे और अपनी दादी माँ के पास रहते थे, तो उस समय वही उसको जो है स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, नाश्ता भोजन वगैरह तैयार करती थी। ठीक है, तो नहलाने और कपड़े पहनाने के दौरान वह जो है सुबह का प्रेयर भी किया करती थी। ये सही है, इस तरह से जो है ये आपके विकल्प हैं, उसी तरह से आप करेंगे। चलिए, हमारा मुख्य उद्देश्य आपको आगे बताना, पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, जैसे माई ग्रैंड मदर लाइक डॉट डॉट टू टेल अस, यह पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, आपको यदि पेपर में आएगा तो यह दिया जाएगा, पहले तो पेपर में आता था, इस साल से कुछ पैटर्न बदला हुआ है, पेपर का भी पैटर्न बदला है, फिर भी दिया है तो हमें इसे जानना है। ठीक है, वैसे आप जान लीजिए अभी कि प्रोज में यह है एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4-7 नंबर के, 8 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4-4 नंबर का 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, इस तरह से आपके 15 नंबर का क्वेश्चन प्रोज से आएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपको एक्सरसाइज में दिया है तो उसे मैं कुछ बताऊंगा और कुछ आप खुद करेंगे। जैसे दिया, मैंने बताया आपको, माई ग्रैंड मदर लाइक डॉट डॉट टू टेल अस, यह पहले पैराग्राफ की ही लाइंस हैं। ठीक है, तो जब एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है, रेफरेंस करने के लिए आता है, कंटेक्स्ट करने के लिए आता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको रेफरेंस लिखना है। देखिए रेफरेंस दिया है, पहले आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में क्या लिखना होता है, रेफरेंस में लेसन नेम और राइटर नेम लिखना होता है। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसे लिखा जाता है। देखिए रेफरेंस, देखिए रेफरेंस में क्या लिखेंगे, लेसन नेम और राइटर नेम। क्या लिखेंगे, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, क्या लिखा गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, मतलब लेसन का नाम आपने लिख दिया। फिर आप लिखेंगे रिटन बाय खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह जिसने इस प्रोस इस स्टोरी को लिखा है, उनका नाम लिखेंगे और उनके बारे में कुछ लिख दीजिए समझ में आता है तो। अ फेमस इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट। ठीक है, मतलब वह एक राइटर थे और एक पत्रकार भी थे। ठीक, उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, कॉन्टेक्स्ट तो रेफरेंस संदर्भ प्रसंग और ये हो गया व्याख्या। तो संदर्भ समझ गए, प्रसंग मतलब किसके बारे में लिखा गया, किस प्रसंग में लिखा गया है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से जो राइटर हैं वह अपने दादी और दादा के बारे में मुख्य रूप से इस संज्ञा में वर्णन किए हैं। तो हमने ऐसे लिखा हुआ, हियर द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हु ओर अ बिग टर्बन। ठीक है, हियर द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हु ओर बिग टर्बन। ठीक,
चलिए एक्सप्लेनेशन में आइए। एक्सप्लेनेशन में जो है पूरी उस पैसेज को आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो यूँ बन जाएगा, राइटर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड हु हैड रिंकल्ड फेस एंड ही हैड नोन फॉर 20 years. सम पीपुल सेड दैट वंस ही हैड बीन यंग एंड प्रेटी. ही मैंशनड अबाउट हिज ग्रैंड फादर हु ओर टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. ही हैड लॉन्ग बियर्ड विच कवर्ड हिज चेस्ट. ही डिड नॉट लुक सो एज ही हैड एज देखिए ही डिड नॉट लुक सो एज ही हैड वाइफ और चिल्ड्रेन. ही डिड नॉट लुक सो एज ही हैड वाइफ और चिल्ड्रेन. ही लुक्ड एज इफ ही हैड बीन लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन. हिज ग्रैंड मदर हैड बीन यंग एंड प्रेटी. बट द राइटर डिड नॉट बिलीव. सी यूज टू टेल हिम अबाउट दोज गेम्स विच सी यूज टू प्ले इन हर चाइल्डहुड. बट सी डिड नॉट लाइक देम. सी यूज टू टीच हिम दोज स्टोरीज विच बिलोंग टू द स्टोरीज ऑफ द प्रोफेट्स. अब इसके बाद आप नोट में लिख देंगे. देखिए नोट में लिखेंगे, द ऑथर फेल्ट दैट हर ग्रैंड मदर वॉज लाइक हिज ओन फ्रेंड. वेन ही वेंट टू अब्रॉड ही कुड नॉट फॉरगॉट हर. ठीक है, समझ बताई. तो इस तरह से आपको रेफरेंस लिखना है. रेफरेंस लिखने का इस तरह से आप प्रयास करेंगे.